राजधानी देहरादून में जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष और जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने एक पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी द्वारा खानपुर विधानसभा से निर्दलीय विधायक पर दरिया दिली दिखाकर प्रदेश के हितों पर कुठराघात कर रही है। इसके आगे उन्होंने कहा कि उस विधायक ने निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ा था और चुनाव जीतने के बाद वह एक कथित राजनीतिक दल जो पूर्व से ही अस्तित्व में था उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर राजनीतिक दल में शामिल हो गई, जो कि भारतीय संविधान की धारा 191 की अनुसूची 10 का घोर उल्लंघन है। इसके तहत ही रुड़की निवासी रविंद्र पनियाला ने बीते 26 मई 2022 को निर्दलीय विधायक के खिलाफ सदस्यता रद्द करके संबंधी कार्रवाई करने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष याचिका दायर की थी, लेकिन 2 वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जो कि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनका सॉफ्ट कॉर्नर दिखाता है। इसी कड़ी में नेगी ने कहा कि जान संघर्ष मोर्चा इस मामले को लेकर चुप नहीं बैठेगी। उत्तराखंड से स्टेट हेड अवनीश जैन की रिपोर्ट। विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडेरी जी, उनसे जुड़ा हुआ मामला है। दरअसल उनके समक्ष मई 2022 में निर्दलीय विधायक खानपुर से उनके खिलाफ एक याचिका दायर की थी। ये रुड़की के निवासी हैं रविंद्र पनियाला जी। तो उन्होंने कहा था कि इन्होंने राजनीतिक दल की सदस्यता ले ली है और उसको लेकर के इन्होंने दल बदल कानून के तहत इनको एक जो याचिका दायर की थी, आज 2 साल से ज़्यादा हुए उस पर कोई कार्रवाई करना तो दूर, जो उनके माता पिता के अधिकारी उस पर बोलने तक को तैयार नहीं, साथ साथ अनुस्मारक भेजने के बाद भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमारा इसमें कहना है कि जो रहम दिली है, जो दरिया दिली है उक्त विधायक के प्रति, जिनको सदन में खुली छूट दी गई, इतना अधिक समय दिया गया जबकि विपक्ष को पर्याप्त समय न दे करके एक गरिमा भी खंडित हुई है। हमारा कहना है कि ये जो दरिया दिली है, ये जो इको फ्रेंडली मैच हो रहा है, निश्चित तौर पर इस प्रदेश को गर्त में धकेलने का काम किया जा रहा है। आपने उनको इतना समय दे दिया और वो सदन में इतना कुछ बोल के बगैर पुख्ता दस्तावेजों के, अरे दस्तावेज तो होने चाहिए, कोई राजनीति का अखाड़ा थोड़ी है कि आप जो कुछ भी मर्जी आए बोल देंगे, कोई उसमें इनके पास दस्तावेज नहीं था। और जिसमें सबसे बड़ी जो गलती विधानसभा अध्यक्ष जी की है, उन्हें दस्तावेज मांगने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने उनको खुला मौका दिया। और मैं समझता हूँ ये जो तख्ता पलट वाली जो बात आई है, निश्चित तौर पे उन्हें कैसे पता लगा, खुफिया एजेंसी को पता नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस साजिश के तार उनसे भी जुड़े हो सकते हैं। हमारा कहना यह है कि इनके जो दल बदल कानून है, इन्होंने निर्दलीय विधायक के रूप में नामांकन भरा, चुनाव लड़े, जीते और उसके बाद ये कि इन्होंने तथाकथित पार्टी बनाई, उसके स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन करके इन्होंने दल बदल कानून के दायरे में आने का काम किया।